देखो, कुछ महीने पहले निसान कंपनी ने इंडियन मार्केट में मैग्नाइट को लॉन्च किया था, जो कि एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी कार है। और तब से लेकर आज तक इस कार ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है। यानी इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफी हद तक तगड़ा है और मैग्नाइट की वजह से निसान के सेल्स भी काफी हद तक बढ़े है। तो यहाँ पर इस कार को काफी हद तक कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा निसान की और एक कार है इंडियन मार्केट में, जिसको 2019 में लॉन्च किया था, लाइक जनवरी 2019 में लॉन्च किया था, जिसको इतना भी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालांकि उसका लिमिटेड एडिशन ब्राजील में रिसेंटली लॉन्च किया गया, उसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं। ये जो लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसका एक्सटीरियर काफी तक कमाल का है और इसके इंटीरियर में बहुत ही बढ़िया फीचर्स ऑफर करे गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं निसान किक्स के लिमिटेड एडिशन एक्सप्ले इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर करे गए हैं, इसके एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस है एज कम्पेयर टू नॉर्मल किक्स वेरियंट। तो सभी चीजों के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में किक्स के अंदर 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जिसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन इंडिया में किक्स के अंदर 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाता है। वहीं अगर मैं इस लिमिटेड एडिशन के एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं, तो इसका फ्रंट फीशिया, इसके अलावा इसका साइड का प्रोफाइल और इसका रियर का फीशिया दिखने में काफी हद तक अग्रेसिव लगता है। हालांकि इसका जो एक्सटीरियर है, इसका कलर ड्यूल टोन कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, यानी इसके एक्सटीरियर में आपको रेड कलर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसके रूफ के ऊपर, इसके अलावा इसके ORVMs के ऊपर आपको रेड कलर की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। वही इसके फ्रंट फीशिया के बम्पर के नीचे, इसके अलावा साइड क्लैडिंग के नीचे आपको रेड कलर की लाइन भी देखने को मिल जाएगी। इनकी मदद से इसके एक्सटीरियर में एक प्रीमियम लुक आ जाता है। वही इसके फ्रंट फीशिया में ग्रिल के नीचे लिमिटेड एडिशन का बैजिंग भी दिया हुआ है। इसके फ्रंट लुक की बात करो तो आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ इसके ग्रिल्स आप देख सकते हैं और उन्हीं ग्रिल्स के सराउंडिंग में एक वी शेप के क्रोम बार्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा फुल LED हेडलाइट का सेटअप इस कार के अंदर दिया हुआ है। इसके फ्रंट के जो बम्पर्स है, इसके अलावा इसके जो एयर डैम है, इसको काफी हद तक स्पोर्टियर रखने की कोशिश की है। हालांकि ये जो मॉडल है, इसके एक्सटीरियर में काफी हद तक अग्रेसिव लुक देने की कोशिश करी गई है। तो इसका जो एक्सटीरियर है काफी हद तक कमाल का है, ग्राफिक्स भी काफी कमाल के यूज करे गए हैं। वही अगर मैं इसके अलॉय व्हील्स की बात करूं, तो ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ इसके अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके सभी पिलर्स के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। इसका सी पिलर आप देख सकते हैं, वहां पर एरो शेप में कुछ ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, वो भी दिखने में काफी तक कमाल के लग रहे हैं। इसके रियर में एक्सप्ले की बैजिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके जो LED टेल लाइट का डिजाइन है, ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये भी दिखने में काफी तक कमाल के लगते हैं। इसके अलावा इसके जो रियर के बंपर्स है, ये काफी तक स्पोर्टियर है और थोड़े से बड़े आपको व्हाइट कलर के बंपर्स इसके रियर में मिलने वाले है। इसका एक्स्ट्रा लुक काफी तक कमाल का है। सिमिलरली इसके इंटीरियर में भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे गए हैं, जैसे कि इसका इंटीरियर का थीम आपको सिंगल टोन कलर के साथ मिलने वाला है। बहुत ही प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है डैशबोर्ड के ऊपर, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, अपोस्टरी के ऊपर, इसके अलावा सीट के ऊपर। इसके सीट के ऊपर और इसके डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्ले की बैजिंग भी मिल जाएगी। इसके अलावा रेड कलर के स्टिचर्स भी इसके अंदर दिए हुए हैं और इनकी मदद से इसके इंटीरियर में एक प्रीमियम लुक आ जाता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इस कार के अंदर ऑफर किया हुआ है। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसके अलावा सनरूफ भी इसके अंदर दिया जाएगा, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और अच्छे खासे प्रीमियम फीचर्स आपको निसान की इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पर्सनली मुझे इसका एक्सटीरियर लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ग्राफिक्स और लुक काफी तक अग्रेसिव रखने की कोशिश की है और रेड कलर और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन काफी तक कमाल का है। तो डेफिनेटली इस कार का रोड प्रेजेंस काफी तक जबरदस्त रहने वाला है। अगर लॉन्चिंग की बात करूं, तो इस कार को ऑफिशियली ब्राजील में लॉन्च किया जा चुका है। इंडिया में ये कार अगले साल तक आ सकती है। कीमत इसकी 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल निसान किक्स। और करंट मॉडल जो अवेलेबल है निसान किक्स का इंडियन मार्केट में, उसकी कीमत स्टार्ट होती है 9.49 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक्शन प्राइस उसका टॉप मॉडल 14.64 लाख रुपीज तक चला जाता है। तो ये लिमिटेड एडिशन मॉडल अगर निसान कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है, तो डेफिनेटली ये क्रेटा सेल्टोस, टाइगुन, कुशोक को टक्कर देने वाली है। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।